ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरत का हिस्सा कम है माल में, मर्द का हिस्सा ज्यादा है माल में, इसका राज क्या है? औरत को किसी के लिए कमाना नहीं पड़ता, बहन है तो भाई कमा रहा है, माल की जरूरत नहीं है। बेटी है तो बाप कमा रहा है, माल की जरूरत नहीं है। बीवी है, माल की जरूरत नहीं है, शौहर कमा रहा है। माँ है तो बेटा बाहर कमा रहा, माँ को माल की जरूरत नहीं है। जिसको माल की जरूरत थी उसका हिस्सा बढ़ा दिया, जिसको माल की जरूरत नहीं थी उनका हिस्सा घटा दिया। ये इस्लाम है। तीसरी बात को याद रखिए, इंसाफ क्या है? दो मर्द औरत मिलकर के घर चलाते, दो मर्द औरत मिलकर के घर चलाते, बीवी मशवरा देती है, मर्द फैसला लेता है, यही इस्लाम है। इस्लाम है कि औरत मशवरा दे, इस्लाम है मर्द फैसला ले, दोनों मिलकर के घर चलाए, ये इस्लाम है। तीसरी बात नुक्ते की याद रखिए, इस्लाम ने कहा मर्द घर से बाहर निकले, औरत घर के अंदर रहे, औरत घर के अंदर रहे, मर्द घर से बाहर निकले। कहा क्यों? कहा कि औरत नाजुक है, मर्द सख्त है, मर्द सख्त है बहादुर है, औरत नाजुक है कमजोर है, कमजोर अगर घर से बाहर निकलेगी उसकी जान भी जा सकती है, उसकी आबरू भी जा सकती है। इस्लाम ने औरत की जान बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए औरत से कहा तुम घर के अंदर काम करो, मर्द से कहा तुम घर से बाहर कमा करके लाओ। चौथी बात को याद रखिएगा, अल्लाह का शुक्र है जब फकीरा पर आपका सर जाए तो तीन बातों पर ध्यान दीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अगर मुसलमान नहीं बनाता तो हमारा ठिकाना क्या होता। तीसरी बात पर गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने नबी की आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया, अगर आखिरी उम्मत में पैदा नहीं करता हमारा क्या हाल होता। इस एहसान को याद रखिएगा। आपने सुना होगा कि औरत गवाही देगी तो मर्द उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, मर्द गवाही देगा तो औरत को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अदालत में अगर किसी औरत को गवाही देना है उसके साथ मर्द को खड़ा होना पड़ेगा, वरना गवाही नहीं होगी, गवाही मुकम्मल नहीं होगी। औरत गवाही दे मर्द को खड़ा होना पड़ता है, मर्द को गवाही दे, मर्द गवाही दे औरत को खड़ा होना नहीं पड़ता। राज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। गवाही देना आसान नहीं है, जिसके खिलाफ आप गवाही देंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। गवाही देना आसान नहीं है, जिसके खिलाफ आप गवाही देंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। औरत जब गवाही देगी उसके साथ मर्द खड़ा नहीं होगा, उसकी जान भी जा सकती है, उसकी आबरू भी जा सकती है। इस्लाम कितना बड़ा एहसान करने वाला था, उसने औरत को गवाही के लिए खड़ा किया, मर्द को इससे पहले मुहाफिज बना दिया, अगर औरत पर हमला आएगा तो मर्द उसकी हिफाजत करेगा। इंशाल्लाह अपनी माँ बहन बेटी को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, घर से बाहर नौकरी नहीं कराएंगे, खुद घर से बाहर निकलेंगे ताकि उसका ईमान भी महफूज रहे, उसकी जान भी महफूज रहे। हाथ उठा करके वादा दीजिए इंशाअल्लाह। ऐसे असरे रमां इस्लाम के दामन में आ, ऐसे असरे रमां इस्लाम के दामन में आ, जीनते जीनते पस में जहां इस्लाम के दामन में आ, कल तुझे बख्शी कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, कल भी बख्शी थी तुम्हें इस्लाम ही ने जिंदगी, आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम है। ऐसन असरे रवां इस्लाम के दामन में आ।